You're freaking. Sometimes your white beard hair on that cheek comes sticking out like some maniacal psychopath trying to grab me and drag me into the underworld. Don't talk about my white hair. Hey, welcome back to our Stupid Reactions Edits. I is Corbin. Drag me into the underworld. And you false. That's what she said. Drag me into the underworld. Oh, yeah, that's a great line. Drag me into the underworld, take me Tom. Take me into the room and drag me into the underworld. Anyway, what are we doing? We're reacting to an informational piece called 10 Rare Facts. Rare! I expect to know none of them. They better be if they're rare. About India. You've never heard before. Never heard before? So I better have never heard of these. If we have ever heard of them, they're not rare. Yeah, they're medium rare. That's how I like my steaks. I would like rare if it was warm. I eat them every which way but loose, man. Because you could burn rare it. Rare is a cool red center. Burnt or bloody. But I need it warm. And it depends on the steak, though. Prime rib can't be served well done. Oh, no. Prime rib has to be... That's insulting. That is very insulting. Oh, yeah. No. But other ones, I'm really... I like them. I like it always. That's what she said. All right. So the rare facts. Top 10 rare facts about India. You've never heard before. All right. Let's hear it. बात करने जा रहे हैं हमारे देश यानी भारत के बारे में ऐसी कुछ बातें जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी ये दुनिया एक दुल्हन ये दुनिया एक दुल्हन दुल्हन के माथे की बिंदिया I've heard of Holly Sorry if this song got copyrighted. यूँ तो हमारे देश की संस्कृति दुनिया भर में मशहूर है, मगर यहाँ पे कुछ ऐसे भी राज और अनसुनी बातें हैं जो आपकी कल्पना से परे हैं। तो चलिए देखते हैं। एक भारत की सबसे ऊंची जगह। एक वक्त था जब भारत पूरे दुनिया में अपने शोहरत के लिए मशहूर था। इसलिए इसे सोने की चिड़िया कहते थे हालांकि अब यह हालत बदल चुकी है और भले आज हमारा देश दुनिया के सबसे अमीर देशों की गिनती में नहीं आता मगर ऊंचाई के मामले में सबसे आगे है ये जगह कुछ और नहीं बल्कि सियाचिन है जहां भारत और पाकिस्तान अपना हक जताते हैं सियाचिन पृथ्वी का सबसे ऊंचा कॉम्बैट जोन माना जाता है और इसकी ऊंचाई पानी के स्तर से 5700 मीटर पे है तो अंग्रेजी बोलने वाले लोग वैसे तो ज्यादातर लोग भारत में हिंदी बोलते हैं मगर यहाँ पे अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या भी बहुत ज्यादा है अमेरिका का भारत ही ऐसा देश है जिसमें 125 मिलियन लोग अंग्रेजी जानते हैं और बोल सकते हैं ये आंकड़ा ये बताता है कि दुनिया के 10% अंग्रेजी बोलने वाले लोग भारत में ही रहते हैं 3 सोने का देश भारत को यूं ही सोने का देश नहीं कहा जाता क्या आप जानते हैं कि भारत के महिलाओं के पास इतना सोना है जो दुनिया के बड़े बड़े देशों में भी नहीं है एक सर्वेक्षण में ये पाया गया था कि दुनिया का 11% सोना भारत की महिलाओं के पास पाया गया है इतना सोना दुनिया के बड़े बड़े देश जैसे कि अमेरिका स्विट्जरलैंड जर्मनी यहाँ तक कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सबको मिला के भी ज्यादा है सोना पहनना तो सबको अच्छा लगता है और हमारे देश में इसे शुभ भी माना जाता है 4 भारत का पहला रॉकेट लॉन्च बाइसिकल पे आप लोगों को ये जान के हैरानी होंगी कि भारत का सबसे पहला रॉकेट लॉन्च सन 1963 में केरला के एक छोटे से गांव थुम्बा में हुआ था आश्चर्य वाली बात यह है कि ये रॉकेट इतना हल्का था कि इसे एक बाइसिकल में थुम्बा पहुंचाया गया था यह भारत का सफल रॉकेट लॉन्च था जो चर्चा में आया था ध्यान देने वाली बात यह है कि इसरो के चेयरमैन डॉक्टर साराभाई के आदेश के मुताबिक यह रॉकेट लॉन्च हुआ था मगर उनकी टीम में हमारे पूर्व राष्ट्रपति और भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर कलाम भी शामिल थे 5 दुनिया की सबसे लंबी गुफा क्या आपको यकीन नहीं हो रहा यह सुन के
घबराइए नहीं, ये सच है कि दुनिया की सबसे लंबी गुफा भारत में ही मौजूद है। जी हाँ बिल्कुल, भारत नायाब चीजों का मालिक है और मेघालय में स्थित क्रमपुरी को दुनिया के सबसे लंबी सैंडस्टोन गुफा माना जा रहा है। आपको यकीन नहीं होगा कि इसकी लंबाई तकरीबन 24,000 मीटर है, जो दुनिया में सबसे बड़ी मानी जाने वाली वेनेजुएला डेल्स माम से भी बड़ा है। आपको ये भी सुनके हैरानी होगी कि भारत के 10 में से 9 सबसे लंबे और गहराई वाली गुफाएं मेघालय में ही पाई जाती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा पेड़, जी हाँ आपने बिल्कुल ठीक सुना, आंध्र प्रदेश में एक ऐसा बरगद का पेड़ यानी बैनियन ट्री है जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपनी जगह बना ली है। क्या आप ये सुनके अचंभित हैं? मगर ये सच है। आंध्र प्रदेश के तिमम्मा मारारी मानू गांव में 550 साल पुराना बरगद का पेड़ है जिसमें 1100 शाखाएं हैं और ये पेड़ 2.1 हेक्टेयर तक फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे पुराना और बड़ा पेड़ है जो 500 साल से अधिक उसी जगह पे खड़ा है। साथ बारिश का कहर, ये सुनके डरिए मत, भारत में मेघालय को सबसे ज्यादा बारिश मिलती है। ये तो सब जानते हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि मेघालय की कौन सी जगह है जिसे ये बारिश मिलती है? ये जगह का नाम है मैसिनराम। कहा जाता है कि यहाँ इतनी ज्यादा बारिश होती है कि मजदूर यहाँ पे पूरे बदन को ढकने जैसा छाता पहनते हैं। यहाँ पे रोज 467 इंच बारिश रिकॉर्ड की जाती है जो कि दुनिया में किसी भी जगह से ज्यादा है। 8 मैग्नेटिक हिल्स। लद्दाख जाना तो हर भारतीय का सपना होता है और आप में से कई लोग लद्दाख गए भी होंगे, मगर क्या आपने मैग्नेटिक हिल के बारे में सुना है? जी हाँ, एक ऐसी जगह है लद्दाख में जो आपके रुके हुए कार को भी ऊपर खींच सकती है। चौंक गए सुनके, मैग्नेटिक हिल अब एक टूरिस्ट जगह बन गई है जहाँ अब लोग ये महसूस करने आते हैं कि यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड में कितनी शक्ति है और ये ग्रेविटी के साथ कैसे छेड़छाड़ कर सकती है। ये दुनिया का एक आश्चर्य और अद्भुत घटनाओं स्थल में से एक है। 9 शनि सिग्नापुर। यूं तो बहुत लोगों ने शनि सिग्नापुर के बारे में सुना होगा क्योंकि शनि भगवान का सबसे प्रसिद्ध मंदिर वहीं पे है, मगर क्या आप जानते हैं कि उसी गांव में किसी भी घर में बाहर का दरवाजा नहीं होता? जी हाँ, यह चौंकने वाली बात जरूर है मगर यह सच भी है। यहाँ के लोगों का ये मानना है कि उनके घर कभी चोरी नहीं हो सकती और अगर हुई भी तो शनि भगवान की कोप दृष्टि उसके ऊपर जरूर पड़ेगी। इस गांव में कोई पुलिस स्टेशन भी नहीं है। 10 ह्यूमन कंप्यूटर। आप सबने शकुंतला देवी के नाम से सुना होगा, उन्हें ह्यूमन कैलकुलेटर के नाम से जाना जाता है क्योंकि वे ऐसी पहली महिला मैथमेटिशियन थी जिन्होंने इंपीरियल कॉलेज लंदन में 2-13 डिजिट संख्या का गुणन सिर्फ 28 सेकंड में किया था। शकुंतला देवी को ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाता है और उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। उन्होंने काफी सारे किताबें भी लिखी हैं क्योंकि शकुंतला देवी का नाम ना ही सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। हम उम्मीद करते हैं कि अद्भुत और अनोखी भारत की ये तथ्य आपको अवश्य पसंद आए होंगे। अपने विचार और मत हमारे कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। हमारे वीडियोस और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके हमें बताएं आप किस स्टेट से हैं। Yeah, you stepped it up there. Stepped it up. At the beginning, we've heard of others, but we had like just heard of some. Yeah. But yeah, there was some in there that we... Okay. Yeah. Did it say the rainiest place on Earth gets 467 inches a day? I think it did. I don't know if it was a typo. That's like a lot. That's impossible. That's 38 feet of water. A day? No, he'd be under, he'd be in the ocean. Yeah, there's no way. Maybe a year. What was it called, the place? Rainiest. Even a month, that would be absolutely astonishing. Because that would be over a foot of rain a day. Let me look it up here. I think it was called this place, right? Mm-hmm. How much rain in a day? Per year. Okay, it was a typo. Yeah, that makes more sense.
That makes sense, and that's crazy. Yeah. But if it was, if that was per day, they'd be under the water. Noah should be around because we're back in the flood. So. That's a lot of rain, though. That is a lot of rain. Do we have any stupid babies from there? I don't know. Do we? Give us a shout out. DM me on Instagram and say, hey, I live in the rainiest place in the world. Is it actually that and rainy? And if you're from Seattle, that doesn't count. That's the rainiest place in the United States. I'm trying to see where exactly it is. It's probably north, right? Northeast, I bet. Oh, it's above Bangladesh. There you go. Okay, so northeast. Yeah, northeast. Right above Bangladesh. Bangladesh used to be Indian, right? Correct. When did they split? The same time Pakistan split. Okay. Yeah. Why? Did the British same do that? Same reasons. British did that one as well? Same reasons, yeah. They put the Muslims on either side. Oh, wow. I thought it was just Pakistan. I didn't know. I thought Bangladesh did it at a different time. Mm-hmm. Wow. Interesting. It's also very... it's like the... There's a lot of stupid babies in Bangladesh. Yeah. Because it's right in the middle of India. Yeah, and well, and West Bengal is an extension of Bangladesh have its own film industry, or does it kind Yes. of... They do. They do. Bangladesh industry. They have their own film industry. What do they speak? Which is frustrating, because I had reacted to a film from Bangladesh. I'll mispronounce the name. I can't find it anywhere. Really? Yep. Mm. Nowhere. Do they and speak, I want to watch it. Do they speak Hindi or Hindi. Do they speak Urdu? No. They speak Hindi, but they speak Bangla. They speak Bengali. That's the main language they speak, would be Bangla. Bangla is Bengali. Bengali, yeah. The official name of Bengali is Bangla. Doesn't Johnny speak Bangla? Yeah, that's her mother tongue. How many does she speak, too? She speaks three. She speaks Hindi, Bengali, and English. Oh, yeah. I always forget about English. Yeah. English is not a language. Anyways, that was cool. That was a good video. Lots of information we had not heard about. Which yeah, it was very informative. Joy. And hopefully one day we'll be able to come to Northeast India. Yes. Well, you've already been once. Well, I've been to Kolkata. I've been to Kolkata twice. That's Northeast India, right? It's the considered? East. It's considered East. East, number yeah, east. Consider it. Consider Mumbai, LA, Calcutta, New York, and like Assam would be Maine. Up in Maine. Not even close to Maine. Yeah, so that's technically the Northeast. But Calcutta is considered East. Hmm. Far East of... Interesting. Well, let us know what other videos we should react to, and how much of this information was correct and incorrect. But once again, I didn't make it, so don't yell at me. Yeah, it's not our fault. It's not my fault. Let me know down below.